इवन राइडिंग मोड्स भी हैं बाइक के अंदर, पानी की तरह स्मूथ है देखो। और सबसे अच्छी बात है मेरे ख्याल से इस पे आराम से 1000 किलोमीटर तो मजे से राइड। सो जस्ट लुक एट दोज विंग्स। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये फैशन वाली चीज़ है, नहीं ये फैशन वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत काम आते हैं जब अपन हाई स्पीड पे होते हैं तो डाउन फोर्स देने के लिए बाइक को। तो बाइक क्या होती है जब हाई स्पीड पे आ जाती है तो जब अपन बहुत ज़्यादा थ्रॉटल देते हैं तो बाइक आगे से उठने लग जाती है एंड एयर ड्रैग की वजह से भी और ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो बाइक को नीचे रखने के लिए, डाउन फोर्स देने के लिए ये विंगलेट्स लगते हैं जो कंपनी से लग के आते हैं एंड दिस इज अ प्योर ट्रैक मशीन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बट इस बार थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर दिया। ऑलमोस्ट द फास्टेस्ट मशीन ऑन ट्रैक अवेलेबल इन इंडिया, है ना एपिक बात, ये पता नहीं थी शायद। चलो एनीवेज, तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली, मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास, और होप आप सभी लोग रॉक कर रहे होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ एक बाइक ट्राई करने के लिए कि क्या वो बाइक अपने को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो क्या लगता है क्या लेना चाहिए? तो एनीवेज, मैंने लास्ट वीडियो में बताया एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि मुझे ये बाइक ले लेनी चाहिए, दैट इज BMW S1000 RR। बट ऑनेस्टली बताऊं, दिस इज अ अमेजिंग मशीन, सुपर डुपर, पर थोड़ा सा मैं डाइसी हूँ। तो वो डाइसी को जो डाइसेस है ना वो अभी फेंकते हैं, थोड़े से अच्छे नंबर्स और डिफरेंट नंबर्स आने देते हैं, तो देखते हैं क्या करना है। मुझे भी अभी नहीं पता है, बट हाँ डेफिनेटली मैं एक ऐसी बाइक लेके जाने वाला हूँ जिस कैटेगरी की बाइक अभी तक मैंने नहीं रखी है, आज तक, मतलब आज तक के रिकॉर्ड में मैंने उस पर्टिकुलर कैटेगरी की बाइक रखी ही नहीं है। तो सीधा बाइक पे चलें, मोटो ब्लॉग करें। चलो एक काम करते हैं, सीधा मोटो ब्लॉग ही कर लेते हैं। तो गाइज, मैं ये वाली बाइक लेके आ गया हूँ बिल्कुल बाहर एंड दिस इज अ बिग बाइक। बिग मतलब बड़ी बाइक है, अच्छी बाइक है, क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट यू नीड फ्रॉम बाइक, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब कुल मिला के कम्प्लीट एडवांस बाइक, और इतनी एडवांस कि किसी भी एक अच्छी खासी बाइक को एक बार टक्कर दे दे। सो दिस इज MV अगस्ता वेलोस, और बहुत डिफरेंट बाइक है, काफ़ी बड़ी, मज़ेदार, काफ़ी हद तक कंफर्टेबल, क्योंकि एक तो मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ इस बाइक के ऊपर, मतलब ना मैं झुका हुआ हूँ ना मैं कुछ लीन होके बैठा हूँ, स्ट्रेट बिल्कुल आराम से। ABS के अंदर, इसके अंदर ऑप्शन है ABS को, मतलब आप मोड सेट कर सकते हो। क्रूज़ कंट्रोल है बाइक के अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल है बाइक के अंदर, रोड मैप्स भी दिए हुए हैं, मतलब आप मैप्स भी कर सकते हो। इवन राइडिंग मोड्स भी हैं बाइक के अंदर, मीटर बहुत ही क्लियर, ऑल डिजिटल। अभी मैं हूँ टूरिंग मोड पे, गियर यहाँ पे दिखा रहा है 4th, बाइक का टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, और RPM रेंज अच्छी है। 3 सिलेंडर इंजन, 800 cc, BHP एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पढ़ना पड़ेगा उस बारे में। बाइक गुड वन यार, मतलब इतनी स्मूथ है जिसकी हद नहीं, मतलब मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो पता ही नहीं लग रहा कि मैं बाइक चला भी रहा हूँ, पानी की तरह स्मूथ है देखो। और सबसे अच्छी बात है जो ये, मतलब चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना, आई बिलीव इस बाइक को लेके कितने भी लंबे ट्रिप पे मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कम्फर्टेबली बैठा हूँ, और बहुत ही अच्छी सी फीलिंग है। तो मैंने टूरिंग बाइक्स ज़्यादा चलाई नहीं है, और ऑनेस्टली बताऊँ तो कभी रखी भी नहीं है, मतलब दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये एक ऐसी कैटेगरी की बाइक है जो मैंने आज तक कभी भी अपने कलेक्शन में नहीं रखी, कभी भी नहीं रखी। तो लेट अस चेक कि बाइक कैसी है, कितनी कैपेबिलिटी है बाइक की। बट आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज़ वेरी वेरी मच कैपेबल। 13,000 RPM पीक जाता है इसका RPM रेंज, जो एक काफ़ी अच्छी रेंज है टूरिंग बाइक के हिसाब से।
क्विक शिफ्टर बहुत ही अमेजिंग, ये मैंने दो शिफ्ट मार दिए और मज़ा सा आ गया। थोड़ा सा मैं सीधा बैठा हूँ तो एयर ड्रैग ज़्यादा आ रहा है, आपको फील हो रहा होगा, बट मेरे ख्याल से अगर ये विंडस्क्रीन मैं आफ्टर मार्केट लगवा लूँ तो ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ब्रेकिंग तो बहुत ही अमेजिंग, सुपर डुपर ब्रेकिंग है गाड़ी की। अरे यार इसमें, अच्छा नहीं इसमें डाउन शिफ्ट नहीं है, मुझे लग रहा था डाउन शिफ्ट है, खाली अप शिफ्ट है इसके अंदर, डाउन शिफ्ट नहीं है। मतलब क्विक शिफ्टर है, ऑटो ब्लिपर नहीं है इसमें। अगर है भी तो एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि जब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो नहीं ले रही है शिफ्ट बाइक। तो क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर जिन लोगों को नहीं पता है कैसे काम करते हैं उन लोगों को बता देता हूँ कि जब आप बाइक चला रहे हो बिना क्लच दबाए अगर आपको गियर चेंज करना है, वो भी आरपीएम ये मतलब थ्रॉटल ओपन पे, तो जब थ्रॉटल ओपन होता है तब गियर शिफ्ट नहीं होता, गियर लॉक होता है। अगर आपको गियर शिफ्ट करना है विदाउट क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर वाली बाइक पे तो आपको रेस छोड़नी पड़ेगी, फिर गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, बट दैट इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि क्लच एंगेज नहीं हुआ हुआ होता। तो क्विक शिफ्टर का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली जब आप पूरा आरपीएम आपने दे रखा है, तो ये देखो ये मैंने आरपीएम दे रखा है और ये मैंने गियर शिफ्ट कर लिया फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो दिस इज़ क्विक शिफ्टर। और यही अगर मैं डाउन शिफ्ट पे कर लूँ तो दैट इज़ ऑटो ब्लिपर। तो क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर ये काम करता है। तो बाइक काफ़ी लाइट वेट फील हो रही है, मज़ा आ रहा है मुझे एंड पावर अच्छी खासी है। सिक्स्थ गियर में चल रहा हूँ, स्मूथ बहुत ज़्यादा है, मतलब स्मूथनेस में तो मुझे कहीं कोई कमी लगी नहीं रही। अब अगर मुझे एयर ट्रैक कम चाहिए तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा झुक के बैठना पड़ेगा इस विंडस्क्रीन के नीचे। एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक चलाने की इतनी आदत पड़ गई है ना कि इस टाइप की बाइक जब मैं चलाता हूँ तो हेलमेट पे जो हवा आ रही होती है ना, वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो ये मैं भी सिक्स्थ गियर पे हूँ, 40 की स्पीड पे, बिल्कुल इनलाइन 4 की तरह ये रिएक्ट कर रही है बाइक, ये एक अच्छी बात है। नॉर्मली ट्विन सिलेंडर बाइक्स में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, गियर्स ड्रॉप करने पड़ते हैं, नहीं तो बाइक ना हल्का सा नॉक करने लग जाती है। तो दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी इस बाइक को ना थोड़ा सा ट्रैफिक में भी चेक कर लेंगे कि ज़िगज़ैग करते हैं तो कैसी चल रही है। एक चीज़ अच्छी है, अरे वाह देखो पता ही नहीं लगा बिल्कुल, मतलब ये ब्रेकर तो ऐसे जा रहे हैं जैसे मतलब कुछ है ही नहीं। नाइस, गुड वन, गुड पावर, आई एम लाइकिंग इट भाई। रोड पे ही चल लो सारे के सारे। स्विगी वाले भैया पीछे भी देख लो, अच्छा सच बताऊं तो मैं एक्चुअली एंजॉय कर रहा हूँ इस बाइक को मतलब एक तो डिफरेंट है ना, तो अच्छे से मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो आजकल ना मेरा मन करता है कि मतलब मैं थोड़ा सा टूर वूर करूँ, ऑल्दो टाइम की थोड़ी सी कमी है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू। तो इसीलिए मैं इस सेगमेंट की बाइक को चेक कर रहा हूँ कि क्या अपने मतलब की ये है या नहीं है। तो अगर अपने मतलब की होगी तो डेफिनेटली अपन ले लेंगे, ज़िगज़ैग करने में मज़ेदार, बिल्कुल ईजी, सुपर ईजी यार, क्या चल रही है यार ये मक्खन की तरह, सुपर बैटरी बाइक है भाई ये। तो वैसे MV अगस्ता कंपनी के बारे में बता देता हूँ, दे मेड द सेक्सीएस्ट बाइक्स इन द वर्ल्ड, इनको अवार्ड मिला हुआ है काफ़ी बार कि ये जितनी भी बाइक्स बनाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही सेक्सी होती हैं एंड सुपर ब्यूटीफुल होती है, सुपर ब्यूटीफुल। तो दिस बाइक इज़ एक्चुअली सुपर ब्यूटीफुल, आई एम रियली लाइकिंग इट, लविंग इट। बाइक अभी एक्चुअल में विजिबिलिटी में दिखा नहीं पाया हूँ, बट अभी जब चलेंगे ऑफिस तो अच्छे से दिखा दूंगा। अभी तो मैं ट्रैफिक में अटक गया हूँ, ट्रैफिक है या नहीं है, नहीं एक्चुअल में ट्रैफिक नहीं है, ये लोग सिर्फ बस वहाँ निकलना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी क्या क्लच की हैबिट में आया नहीं हूँ मैं, बट थोड़ी देर में जब चलाएंगे तो आ जाएगा। ओए होए 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 होए,
आ रहा है मजा, ब्रेकिंग सुपर ऑसम है भाई इस बाइक की, सुपर डुपर ऑसम है। अच्छा ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने टाइगर 800 काफ़ी बार चलाई है, 900 मैंने अभी तक ट्राई नहीं की। सो दिस इज़ द सेम कैटेगरी बाइक, 800 सीसी है, थ्री सिलेंडर, टाइगर भी थ्री सिलेंडर ही आती है, बट दिस इज़ वेरी रिफाइंड, मतलब बहुत रिफाइंड है। और सबसे अच्छी बात है इसमें पावर बहुत अच्छी है, मतलब आई कैन फील कि एक्सलेटर देते ही ये कैसे एक्ट रिएक्ट कर रही है। एंड ये zigzag करने पे ना हैवी नहीं लग रही। टाइगर के अंदर एक प्रॉब्लम है कि बाइक तो बहुत अच्छी है वो, बट जैसे ही उसको zigzag करते हैं ना अपन ऐसे ऐसे करते हैं तो वो हैवी फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप एक हैवी बाइक चला रहे हो, बट इसमें ये फीलिंग नहीं आ रही। बिल्कुल स्मूथ, सुपर स्मूथ, अच्छी चल रही है, रिफाइंड बहुत ज़्यादा है। टाइगर में एक आवाज़ भी आती है, वो विसल वाली आवाज़ नहीं है इसके अंदर। ऑल एंड ऑल अच्छी चल रही है। सामने एक बुलेट वाले भैया अच्छे खासे भगाते हुए मतलब कॉन्शियस कर रहे हैं मुझे कि हाँ भैया तुम एक सुपर बाइक पे हो, मैं एक बुलेट पे हूँ, तो फिर भी पीछे ही चल रहे हो, क्या चाहते हो। तो क्या किसी भी बाइक पे ना हाथ बिठाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। अभी मेरा हाथ नहीं बैठा है इस पर, तो मैं पंगे ज़्यादा लेने नहीं चाहता क्योंकि भाई मेरे को ना डर लगता है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है जब मैं कोई एक ऐसी बाइक चला रहा हूँ जिसमें मेरा हाथ सेट नहीं है। तो हमेशा कोई भी बाइक अगर आप चला रहे हैं, कोई भी अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, पहले कम से कम साल भर तक उस पर हाथ बिठाएं, सेट करें अपने आप को उस बाइक से या उस कार से, अपने आप को पहले कनेक्ट कर लें, फिर थोड़े से मज़े लेना चालू करो। बट बी इन योर लिमिट्स, ऑलवेज इन योर लिमिट्स, मतलब मैं जितनी भी बाइक चलाता हूँ वो मैं अपनी लिमिट में चलाता हूँ। लोगों को लगता है मैं तेज़ चलाता हूँ, डेफिनेटली मैं तेज़ चलाता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं धीरे चलाता हूँ, बट मेरी अपनी लिमिट्स में चलाता हूँ। तो मुझे पता होता है उस बाइक के बारे में कि वो कितनी चल सकती है कितनी नहीं चल सकती। जैसे एग्जांपल जिक्सर को मैंने काफ़ी बार चलाया, अच्छा चलाया, मेरा हाथ शुरू में सेट नहीं हो रहा था, तो उसके लिए मेरे को एक जयपुर का ट्रिप लगाना पड़ा ताकि मेरा हाथ उस पे सेट हो जाए। एंड बिलीव मी, जिस दिन मैंने उसको जयपुर पे ट्रिप मारा ना, उसी दिन से मेरा हाथ उस पे ऐसा सेट हुआ कि मतलब मुझे मज़ा ही आ गया उसको चला के। एंड उसके बाद मैंने उस पे ना मतलब खेलना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा मैंने फ़न करना चालू कर दिया, एंड दैट फन वॉज लाइक अमेजिंग। बट उससे पहले वो मुझे डरा रही थी, एंड वो डराना बड़ा ख़तरनाक था, तो मुझे वो डरना नहीं है। इस बाइक पे भी अभी जैसे देखो धीरे धीरे हाथ सेट हो रहा है। ओए होए ब्रेकिंग तो ओए ख़तरनाक ब्रेकिंग है भाई, मतलब ज़बरदस्त ब्रेकिंग है इस बाइक की, ज़बरदस्त। और सबसे अच्छी बात है कि ये ऐसे में नहीं डरा रही, इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत स्मूथली जा रही है, अच्छे से जा रही है। ये वैसी ह्यूज सी नहीं लग रही जैसे BMW की जो GS सीरीज़ होती हैं, वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत ह्यूज होती हैं, उनके साथ ना थोड़ा सा डर लगता है। ऑल्दो वो है तो टूरिंग बाइक, पर टूरिंग के हिसाब से ना वो बड़ी बहुत है। तो इफ़ यू हैव अ बिल्ट, मतलब अगर आपकी हाइट अच्छी है, आपकी बिल्ट अच्छी है, तो ऐसी बाइक्स में मज़ा आता है। बट अगर जैसे मेरे जैसा एक 5 feet 7 inches वाला बंदा जब ऐसी बाइक चला रहा होता है ना, बड़ी सी और बहुत भारी सी, तो डर लगने लग जाता है। तो मेरे को ना वो हमेशा GS सीरीज रहती है, थोड़ा सा मुझे बहुत हैवी सी फील लगती है। हालांकि चलाते टाइम उसको भी ऐसा लगता है कि बहुत लाइट बाइक है, बट जब उसको उबड़ खाबड़ जगह पे लेके जाऊँ ना, तो वो फील करा देती है कि नहीं भाई मैं बड़ी सी बाइक हूँ, मैं छोटी कोई बाइक नहीं हूँ। ये मत समझो कि मतलब कोई छोटा सा बच्चा सा हूँ मैं, हल्का सा, तो हल्की भी नहीं है, हैवी है, काफ़ी अच्छी खासी हैवी है, काफ़ी यहाँ से ब्रॉड भी है वो। ऑल्दो ये भी ब्रॉड है, अच्छी खासी ब्रॉड है, मतलब दिस इज़ अच्छा ब्रॉड, बट दिस इज़ नॉट हैवी। मतलब मैं जब बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी लाइट फीलिंग आ रही है। इवन बाइक को जब मैंने स्टैंड से भी हटाया तो मुझे बहुत ही हल्की लगी है बाइक। तो वेट एग्जैक्टली मुझे नहीं पता इस बाइक का क्या है, बट आई विल डेफिनेटली गिव यू अ प्रॉपर कंपेरिजन कि ये कितनी लाइट है एक्चुअल में। ब्रेकिंग तो मतलब गजब,
गजब वाली ब्रेकिंग है, गजब वाली। मतलब मुझे लगता नहीं है कि इस बाइक को अगर अपन तेज चलाएंगे तो डराएगी ये कभी भी ब्रेकिंग के मामले में। वैसे हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ये अभी बम्प्स भी आए थे, बहुत इजीली निकल गया मैं, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। सस्पेंशन इज़ गुड, राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग। एयर ड्रैग मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पर वो मेरे ख्याल से हर टूरिंग बाइक में इतना तो होता ही होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वाली बाइक्स की ना मतलब एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि यू कैन सेट एनीथिंग अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड योर कैपेबिलिटी। जैसे मैंने इस बाइक पे जैसे ही बैठा तो सबसे पहले ट्रैक्शन वन कर दिया, ABS लेवल वन कर दिया। मोड अभी टूरिंग ही है, स्पोर्ट्स में मैंने नहीं डाला, बट हाँ मुझे चलाने में मज़ा आ रहा है। स्पोर्ट्स मोड इसलिए भी नहीं डाला क्योंकि एक्चुअली मैं सिटी में ही राइड करने वाला था, तो स्पोर्ट्स मोड पे डेफिनेटली थोड़ी सी परफॉर्मेंस और चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और बेटर हो जाएगा इसका। बट दिस इज़ यू नो मतलब आई एम लविंग इट, आई एम एक्चुअली लविंग इट, गुड बाइक। तो ये वाली बाइक कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना, कि क्या अपने को ऐसी कोई बाइक लेनी चाहिए। सुपर बैटरी है यार, मतलब आप लोगों को दिख रहा होगा मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ इसको एक्चुअल में चलाते टाइम। ओए, सस्पेंशन इज सुपर गुड, सीट इज सुपर कोजी, अच्छी है, कुशन काफ़ी अच्छा है सीट का, बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि कुछ गड़बड़ है। मेरे ख्याल से इस पे आराम से 1000 किलोमीटर तो मज़े से राइड की जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी वाली फीलिंग है मुझे कि मतलब मज़े से की जा सकती है। ऑल्दो आई एम नॉट अ पर्सन जो 1000 किलोमीटर एक साथ बाइक चलाए, 500-600 किलोमीटर तक आई एम रियली कम्फर्टेबल, मतलब 500-600 किलोमीटर तक मैं आराम से बाइक चला सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से दिल्ली से गया था बीकानेर राइड पे, तो वो मतलब बहुत कंफर्टेबल राइड थी एंड ठीक था। मतलब ऑल्दो डेफिनेटली बीकानेर जाके मैं थोड़ा सा थक गया था, एग्जॉस्टेड हो गया था, बट नहीं फिर भी ठीक था वो। भाई अच्छे खासे बम्स आए हैं अभी, मतलब फील ही नहीं हुआ मेरे को तो कि कब आके कब निकल गए। मज़ा आता है जब ट्रैक बाइक लेके आ जाओ मतलब ट्रैक बाइक जब अपन लेके आते हैं ना तब एक अलग ही फीलिंग होती है, अलग ही डिफरेंट लेवल होता है, क्योंकि ट्रैक बाइक का क्या सस्पेंशन इतना स्टिफ होता है कि जब बम्प आते हैं ना तो पूरा आपको हिला देती है वो। और अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो बाइकिंग का या ट्रैक बाइक का, वो तो भाई मेरे ख्याल से बाइक का हैंडल वैंडल सब छोड़ दे कि भैया ये क्या हो गया, तो बाइक एक्चुअली उछाल देती है और सीट से और बाइक से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो फॉर फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, नॉट सेकंड्स, मिली सेकंड्स आई बिलीव। बट वहीं पे ही अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप संभाल लोगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई मतलब हे भगवान, वाहेगुरु और बाकी सब जितने भी गॉड्स होते हैं ना उनको याद कर लेना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं ना मतलब बचाऊँ गिरने से, टूटने फूटने से, और पता नहीं किस किस चीज़ों से। तो कई बार तो वाकई में ऐसा होता है कि मतलब भैया हो गया काम, अपन ख़त्म होने वाले हैं आज। तो ऐसे मोमेंट्स मतलब कई बार सामने आ जाते हैं, और ऑनेस्टली बताऊं तो जितनी बार भी मैं राइड पे गया हूँ लॉन्ग राइड पे, उतनी बार ऐसा हुआ है कि मतलब एक आध इंसिडेंट तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि जब मुझे ना भगवान जी की याद आ गई कि थैंक यू गॉड, मतलब मैंने उनको थैंक यू ज़रूर बोला है कि थैंक यू गॉड मुझे आपने बचा लिया आज तो। और ऐसा हर बार हुआ है, हर बार।
जाओ भाई, रेस करोगे क्या? चलो फिर देख लेते हैं। बाय बाय ब्रदर, नो रेसिंग विद मी, डोंट मैस विद मी, यू नो आई एम अ गाय हु कैन मैस एट एनी लेवल। एक गाना है ना वैसे, आई एम अ बैड गाय, वो बिल्कुल सूट करता है मेरे पे, बिल्कुल प्रॉपरली, आई एम वेरी मैसी। तो व्हेन इट कम्स टू रेसिंग, या मेरे से कोई आगे निकल जाए तो अपना ना खून थोड़ा सा, मतलब 10 times ज़्यादा भागने लग जाता है, और फिर मुझे बस ये लगता है कि ऐसा कैसे आ रही, व्हाट आर यू डूइंग, तुम पीछे कैसे रह गए एंड क्यों रह गए। More moments later. तो गाइस फाइनली बाइक सामने आ चुकी है, देखो ज़रा इसको क्या खतरनाक लग रही है ये, मतलब सुपर खतरनाक लग रही है ये, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पीछे एलॉय व्हील जो वन साइड स्विंग आर्म के ऊपर लोडेड है, प्लस यहाँ पे 3 एग्जॉस्ट टिप्स जो बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं और बहुत ही सेक्सी लग रही है बाइक। पीछे से एक काफ़ी बड़ी टेल, और टेल के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि बीच में कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो बहुत सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है। अगेन द सीट इज़ वेरी वेल पैडेड, बहुत ही बढ़िया कुशन है सीट के अंदर, पीछे वाली सीट पे भी काफ़ी अच्छा कुशन है। अगर फुटरेस्ट की बात करें तो फुटरेस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, वाइड हैं, पैर रखते टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं से भी कुछ स्लिप हो सकता है। जो सस्पेंशन है वो आप इजीली खुद ही सेट कर सकते हो, हार्ड एंड सॉफ्ट, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छी, देखो सीट अगर अपन बैठते हैं तो यहाँ बैठ गए एंड पैर पूरे सेट हो जाते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे टैंक काफ़ी वाइड है, 21 लीटर पेट्रोल आता है इसके अंदर टैंक में, तो काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी है बाइक के अंदर फ्यूल की। और टायर जो है वो 190 सेक्शन पीछे है, 120 आगे है। बाइक मुझे ऑल ओवर बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, मतलब लुक्स के अंदर तो किलर बाइक है, किलर, मतलब आगे से देखो, ओए होए, दिस इज़ अ ह्यूज बाइक, बिग बाइक। सबसे अच्छी चीज़ है कि वेट बहुत ही कम है, सिर्फ और सिर्फ 190 kg वेट है इस बाइक का, जो एक अच्छा खासा कम वेट होता है। आगे ड्यूल डिस्क ब्रैम्बो ब्रेकिंग, 3 सिलेंडर इंजन है, 800 cc जो प्रोड्यूस करता है, 110 bhp, एंड इट्स अ गुड इंजन। स्पीडोमीटर मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ऑल डिजिटल विद लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब फुल बाइक इलेक्ट्रॉनिक है। ABS आप कंट्रोल कर सकते हो, आप ट्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हो, मोड्स हैं बाइक के अंदर, राइडिंग मोड्स भी हैं। क्या बोलूँ यार इस बाइक के बारे में, मतलब आप ही बताओ मुझे कि ये कैसी लग रही है। एक काम करते हैं, मैं इसके और बैठ के दिखाता हूँ कि मेरे पैर कितने टिक रहे हैं, प्लस बाइक पे जब बैठते हैं तो ये बाइक कैसी लगती है। तो ये अपन बैठ गए और 5'7" मेरी हाइट, नीचे टिप्स देख लो, ये दोनों साइड से मेरे पैरों के इतने टिप टच हो रहे हैं, मतलब ये पूरा पैर ऐसे टच नहीं होगा, ऐसा टच कर रहा हूँ तो दूसरी साइड से पैर मुझे उठाना पड़ रहा है। बाइक पे बैठने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है, ये मैं बैठ गई एग्जैक्टली बाइक के ऊपर, और दिस इज अ गुड बाइक, ग्रेट बाइक, लुकिंग सो ब्यूटिफुल। सबसे अच्छी बात है कि मैं बिल्कुल सीधा बैठा हूँ, स्ट्रेट, जो एक अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो क्या आपने को ये लेनी चाहिए? एवरेज इस बाइक की करीब करीब 13-14 के आसपास, जो प्रैक्टिकली ये देगी। तो अगर इस बाइक पे टूर करना हो तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाइक। बहुत ईजीली मैं ट्रैफिक में इसको रिप कर रहा था, पावर तो
सुपर अमेजिंग थी, मतलब 800 cc 110 bhp जरूर रही भाई, पर अच्छी चल रही थी, मतलब मुझे मजा आ रहा था चलाने में। और टूरिंग में मेरे ख्याल से इससे ज्यादा पावर की जरूरत होती भी नहीं है जब तक आप हाइपर राइडिंग ना कर रहे हो, और हाइपर राइडिंग के लिए रोड्स हैं ही कितने अगर अपन बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो।